हेलो एवरीवन, आई एम हरप्रीत सिंह। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हम जो आज के टाइम में जो कोरोना इन्फेक्शन चल रही है, कैसे मास्क को वियर करना है, कैसे उसको हमने मतलब उतारना है, और साथ के साथ कैसे उसको डिस्ट्रॉय करना है। क्योंकि मैंने रियलिटी में देखा है, मैंने अपने रियल मतलब अपने डेली बेसिस पे देखा कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने मास्क को उतार देते हैं और ऐसे नीचे फेंक देते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही गलत बात है, और साथ के साथ वो बहुत ही भयंकर हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। वायरस, ये आगे एक वायरस, आपको पता है कि वायरस वायरस नहीं, ये आगे हवा में फैलता है। तो प्लीज़ आप ऐसे मत करो, ठीक है। उनको डिस्ट्रॉय करना है तो एक अलग से मैं आपको बताता हूँ कैसे डिस्ट्रॉय करना है। तो प्लीज़ तो वीडियो में आप एंड तक देखो, कैसे आपको सभी चीज़ें यहाँ पर पता चलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आता है कि कैसे हमें मास्क को यूज़ करना है। तो जैसे हम इसको डिस्पोजल मास्क भी बोलते हैं और साथ ही साथ सर्जिकल मास्क भी बोलते हैं। तो ये जो वो सर्जिकल मास्क होते हैं, ये सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मतलब 20 सेकंड के लिए अपने हैंड को फर्स्ट वॉश करना है, ठीक है। वॉश करके अपने हैंड्स को अच्छी तरह वॉश करके उसके बाद हमने क्या करना है कि जो मास्क है उसको, जो उसके अलग अलग दो तनिए होती हैं उनको पकड़ना है। उनको पकड़ के अपने वो कानों के ऊपर से इसको लगा लेना है, जैसे ये वाला लगा है। तो प्लीज़ मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ये डिस्पोजल और सर्जिकल मास्क को यूज़ करें, बट ये जो यूज़ तो करना है, पर ये मतलब इसको लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि ये मास्क है जो ये मतलब हमारे लिए अच्छा, पहनने के लिए अच्छा नहीं है ये हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। या तो आप ऐसा करो कि आप अपना घर घर में बनाया हुआ मास्क को यूज़ करो, क्योंकि उसको हम एवरी 2 एंड 4 आवर्स के बाद उसको हम अच्छे से वॉश कर सकते हैं, ठीक है। वॉश करके उसके ऊपर लाइक कोई सैनिटाइजर के थ्रू हम उसको वॉश कर सकते हैं, तो देन फिर वो बार बार। तो जो ये सर्जिकल मास्क है, मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि प्लीज इसको थोड़ा अवॉइड ही करो, और आप घर का बना हुआ मास्क यूज़ करो। और हमने मास्क को रिमूव कैसे करना है, रिमूव करने के लिए सबसे पहले सेम प्रोसीजर हमने 20 सेकंड के लिए अपने हाथ को वॉश करना है। उसके बाद कैसे, ये देखो, ये आप ये कर इसको ऐसे उतारोगे तो ये बहुत गलत तरीका है, अंडरस्टैंड। आपने उतारना है तो ये देखो, इस तनियों को पकड़ के इसको ऐसे ही हमने मास्क को उतारना है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो ये हम ऐसे उतारेंगे जैसे यहाँ पे उतार रहे हैं, तो इसमें बैक्टीरियाज होते हैं, हमारे हाथों में लग जाएंगे। अगर आपने आप वो ही हाथों को सेम हमने कोई आईज को या अपने नोज़ को टच की लिया, तो ये इन्फेक्शन हमारे में और भी बढ़ सकती है, ज़्यादा हो सकती है, अंडरस्टैंड। तो ऐसे आपने कैसे उतारना है इसको, जैसे ये उतार रहे हैं ऐसे आपने इस मास्क को उतारना है। और एक चीज़ बात और, अब जो मैंने अपनी रियलिटी में देखा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपने प्लीज़ स्टॉप मास्क पोल्यूशन। वाई भाई? क्योंकि हमने ऐसे मास्क उतारते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे यहाँ पे फेंके हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं हमारे लिए, प्लीज़ आप इस चीज़ को अवॉइड करो। जेकर आपने आपके मास्क पा हुआ हुआ है, तो आपने प्रॉपर वे से उसको प्लीज़ अपने कोई डस्टबिन में ऐसे इसको फेंको, या ऐसे कोई एक हमारा कोई जो जहाँ पे लिफाफा होता है उसमें डाल के इसको, पॉलीथिन में डाल के इसको डिस्ट्रॉय करो प्लीज़ आप। तो ऐसे हमारे जो जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही कम होगी। आप प्लीज़ इसको थोड़ा सीरियस लो, क्योंकि जेकर हम ऐसे इनको इनको डिस्ट्रॉय करेंगे, तो प्लीज़ ये हमारे जैसे फॉर एग्जांपल किसी का हमारा कोई जानवर है, लाइक कोई डॉग है या कोई और किसी चीज़ ने इसको टच कर लिया, तो आपको पता है ये एक वायरस है। वायरस का तो खतरनाक है, ये खतरनाक वायरस है। आपने देखा है दुनिया भर में ये कैसे इन्फेक्शन हो रही है लोगों को। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अवॉइड करो, अंडरस्टैंड। तो आप ऐसे इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो अपने डस्टबिन में फेंक के, जहाँ पॉलीथिन में डालकर इसको कोई अलग जगह में, मतलब जैसे जहाँ पे वो मॉर्निंग उठाने आते हैं हमारा, ठीक है, और उस उनके थ्रू उसको आगे मतलब भेज दो, ताकि और कोई पर्सन उसको टच ना कर सके। तो मे बी यू अंडरस्टैंड, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।